अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाले थे। सिम्बा फिल्म से अजय देवगन और रणवीर सिंह भी फिल्म के एक सीन में नजर आने वाले थे। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं। फिल्म सूर्यवंशी इसी साल 24 मार्च को रिलीज की जानी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। वहीं अब खबरें हैं कि करण जौहर को फिल्म सूर्यवंशी से अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने बाहर कर दिया है। लेकिन इस खबर की सच्चाई बताते हुए तरण आदर्श ने ट्वीट कर कहा, जरूरी बात, न्यूज फैल रही है कि करण जौहर सूर्यवंशी का हिस्सा नहीं रहे, ये बात गलत है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस बात को स्पष्ट किया है। दरअसल करण जौहर का नाम फिल्म सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर में शामिल था और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ऐसे समझा जाने लगा था कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ है, जिस वजह से ऐसी खबरें आने लगी थी कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने मिलकर इस फिल्म से करण जौहर को निकाल दिया है। बता दें, करण जौहर को बीते दिनों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से करण जौहर काफी तनाव से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि करण जौहर ने ट्विटर पर सभी को अनफॉलो कर दिया है और अब करण जौहर सिर्फ 8 लोगों को ही ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, जिनमें 4 उनके प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर के 3 अकाउंट हैं और साथ ही करण जौहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फॉलो कर रहे हैं। वहीं सूर्यवंशी फिल्म बाकी फिल्म्स की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना होकर सिनेमा घर में ही देखने को मिलेगी। कयास है कि सूर्यवंशी फिल्म को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।